हे गाइज, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्टिंग फैन की एक अनदर वीडियो। देवर जी एक्टिंग फैन। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट एंड लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। बड़ा फ्रेश मैदान होलो। हां, लेकिन तू कनिए बड़ा कम लावा। अरे जल्दी में नहा लियो। का हो मंगरू बाबू, बड़ा फरहर मुस्कान लागत। अरे फरहर काहे ना लागे, मेहरारू मिलल है। कमाल कमाल मिलल। एगो बात बतावा तोनी लोगे, दोनों जानी एके लोटा मैदान कर ले वाला साथे का? अरे हां, ले जाई केकरो फ्रेश करावे। अब कौन सा एकर हमरा नियन बड़का गोदाम। अब इसे गनौरी कहां हो बाबूजी? घर हथिन। अच्छा, अरे हटा ना चेता। एकरो सास जे हौ ना बर खींचा मान। कोई शौचालय बनवाओ यार इनके घर में। अबे उसके पास जाके कहाँ बैठ गया? का हो मंगरू, कैसा लग रहा है? वाह, अरे कैसा का लगेगा, जैसा रोज लगता है। वास्तनी मानी खाली कठिन हो रहा है, लग रहा है खून फेंक देगा। अरे वो थोड़ी ना पूछ रहा है मर्दे, अरे ब्याह के बाद कैसा लग रहा है? अरे सच पूछो तो हमरा लाज लग रहा है। अरे हमर कहे के मतलब है कि रतिया में का हुआ? यस, रतिया में उठा ल तनी घूंघटा चांद देख ले ही। ओह माय गॉड, उठा ल तनी घूंघटा चांद देख ले ही कि उठाइब हम घूंघट। अरे वाह, क्या दुल्हन लेकर आए हैं। हाय हाय, हाँ पी लो तनी। वही एक ही घूंट में डकार गए। वाह, ये छोटे बच्चे हैं, दूध पीते ही सो गए। मतलब दूध पी के सूत गया? अरे तू तो जानबे करता है हमारे लड़काइयों से आदत है, जैसे ही दूध पी लेते हैं हमारा नींद आ जाता है। बात सार तहिने एकदम नीलबांदरे है, करकराबे के चाहिए तो सूत गया। अरे रुक रे, चलै थी रे। आ जल्दी। का मंगरो, अरे इधर आब हो। जी भैया प्रणाम। अरे मंगरो, सुने है तो शादी वादी कर लिया है। हाँ। लेकिन हमको बराती ले जाने के लिए पूछा तक नहीं। भैया आप कहाँ बड़का आदमी, कहाँ जाइएगा? अरे मुखिया जी के तो हम कार्ड देवे किए थे। सुने हैं मंगरू की तोर औरत बड़ी सुंदर है हो। हाँ, गांव वाला तो सब कह रहा था। अरे तो थनी हमरो लेके चलो, चाय वाय पिलाओ अपन औरत के हाथ के। चलिए ना भैया, अभी पिलाते। सब खाली आम के ना काट के दुश्मन अनाज के। एक जो है कलिया इस ससुरा सुतल है। अरे माथा पर उदा आ गेल रे, उठ रे। नो सार तहिने। अरे ए, अरे अब ब्याह हो गया, अब तक सुधर जो। कौन सी हलवा हो? अरे जब घर में शौचालय है ये है तो बहरी में गान बनाने जाता है। आओ जोर जोर से बोला, बोल के हमारे वाइफ के जनादा कि हम बहरा में हगे जाहिला। अरे साला, वाइफ के जनादा? अरे जन्मा के ठार कर दिलियो, बड़का वाइफ वाला बनले है। तोरे ब्याह होइल हो जा, मार दे तो ऐसे बतिया ले। जा के छोड़ के चलो। शी इज गॉर्जियस। अरे आप हम आते हैं बाद में आते हैं। अरे आइए ना, बैठिए ना। अपनी वाइफ से कौन इतना शर्माता है भाई? कल रात के लिए सॉरी। वो कहा है ना कि हमार बचपने से आदत है, हम दूध पी लेते हैं तो नींद आ जाता है। यस, कोई बात नहीं, रात को सो गए थे ना आप, दिन में किसने मना किया है? केवाड़ी खुला हुआ है, बाबूजी देख लेंगे। कोई नहीं आएगा,
आप कांप क्यों रहे? पत्नी है हम आपके। यस। हमको गुदगुदी हो रहा है। है मंगरो। हाँ बाबूजी आ रहा है। सारे रोमांटिक मूड की ऐसी तैसी। क्या हो गनोरी भाई? क्या हाल है? आओ आओ बैठा बैठा हो चुचिंदर। अरे तोरा कतने बार कह लिया कि चुचिंदर ना सुचिंदर। अरे उहे चुचिंदर बैठा मर दे। समधियाना से आ गेला? हाँ आ गेलियो है। तो सुन लिख है कि तोर समधिनी का तो बुलडोजर है। हाँ सही सुनला है। हम सुननी है कि तोर समधिनी खिलारो है। तू हो सही सुन ल। अरे ये सब छोरा नैकी पुतो के हाथ से चाय पिए ब मर देने के यो पूछे वाला बात no. अभी हम कही थी ए कनिया अरे चाय ले ले आ बा। अरे देखा पुतोहिया के माई के फोन बा। हाँ समधिनी। oh my God. अरे छोटका हेने आ रे का हो तूने के चैन ना है कौन हाथ में है? भोरे भोरे उठ के कोई के दुहारी पर जाके पहुंच जाना है। बहुत सही। अरे छोटका तोरा बोले के ढंग ना हो रे। का बोलला फिर से बोला ना कुछ बोल जा तू तू जा। कलिया है सबसे लगी है लगी है छोटका से ना लगी है से का है। अरे एक बार हमहू गनौरी भाई से शिकायत कर दे रहे तब। अरे अधरतिया में घेर के पूरा ऊंक। ओह माय गॉड पूरा। अच्छा अरे समधिनी कहत रहलखिन हाँ कि जे केरवा ट्राई कैनी। अरे मतलब कि जे सनेश आयल हल केला वो केरवा दिया पूछा हम कल कि समधिनी हम अपने के केरा के। इनका सब किताब पहले के पूछा है। अरे जिंदगी भर तो अपने ही से चाय बना के पी लियो है अब आयल समय पुतोह के हाथ के चाय पिया। एकदम सही पिया पिया चाय। ओह अरे गनौरी भाई तोर पुतोह के हाथ में तो जादू हो। yes. अरे जादू काहे न रहता वा बाप हलवाई न है कर वही से तो बाप वाला गुण है लेकिन जे कहब चाय बढ़िया है। अरे मंगरुआ के जिंदगी सुधार हो एकदम न तो लड़बिहरा के ब्याह करे। सही बात है एकदम गजब के चाय है। वाओ अगर इसने चाय अगर डेली मिले ना तो दीने बन जाए। डेली कोनो पूछे के बात ये रोज मतलब भरे भरे अपना भरी समझ लेंगे रोज भरे भरे इसमें चाय मिल जाता है। कलिया एगो बात कहियो। बोल। उसे कहे के ना चाहिए बाकी तोर भाई और भौजाई में हमरा कुछ ठीक ना लगा हो। मतलब मतलब कि तोर भाई और भौजाई के देख के ऐसन लगा हो जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर भेट गेल गई। अरे तू कहला के का चाह रहा है? हम कहले का चाह रहे हैं कले ई हमरा कहा कि तोर भाईबा सुहाग रात के दिन सूत गया। अगर जोन औरत का पति सुहाग रात के दिन सूत जाए और वो औरत खुश ना रहे तो औरत अपने आप को खुश रखने के लिए कहीं दूसर जगह ढूंढने इस तरह के दोस्तों से ना हमेशा बच कर रहना चाहिए। पिंगल पाता है। अरे हम कह का रहे हैं पहले से सुनो तो भौजी कहीं और मुंह काला करे उससे no. बढ़िया है कि तू ही अपन भौजी के लपेट ले। वाह तू यहां से पहले निकल जो समझ गए ना। अरे सही कह रहा है कल हम भी गली से जा रहे थे तो तोहर भौजी खिड़की से हमको इशारा कर रही थी। अरे आज हम कह रहे हैं कल पूरा समाज कहता हूँ फिर ना कहिए बाबू की जो दोस्त हो करके बताइले ना। तो ये मैं हम क्या करे? देख हमार बात मनवे तू अपन भौजी के चुपचाप जा करके बतियो ओकरा पकड़ ओकरा खुश कर ऐसे घर की इज्जत घर में रही और ना तोहर परिवार के बदनामी होता और ना तोहर भाई के हंसी होता बुझले। सोची है जरूर बाप। इतनी गलत एडवाइस दी है इसने कितनी ज्यादा गलत एडवाइस। Oh my gosh. भैया मत करना प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना बहुत बुरा हो जाएगा। अजी सुनती हो? हो जी सुठिए ना। क्या है इतनी सुबह क्यों जगा रहे? No. अरे तुम्हारे चाय के दीवाने लोग आके बैठे हुए हैं कब से। उन लोगों को अपने घर में चाय नहीं मिलता रोज चले आते हैं। अरे अगर मिलता तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ चाय थोड़ी पीने आते। yes. थोड़ा बना दो ना बाबू जी के साथ बैठे हुए हैं सब। ठीक है yes. आज मैं पिलाती हूँ लोगों को चाय। जब चाय में शक्कर की जगह नमक मिलेगा ना
तब देखती हूँ कैसे आते डेली पीने चाय। यार ये डेली पीने वालों की आदत खराब हो जाती है। तब लगी भैंसिया छटपटाने, तब मंगरुआ गया दौड़ल छोटकी कोपा, अब वहां से बुला के लाया बिंदेसर डॉक्टर के। अब बिंदेसर डॉक्टर आया, पूरा हाथ भैंसी के लगाया, तब जाकर के भैंसी भी आई, समझे? होगा ना परेशानी। अरे हमारा चाय देवी था, हमारे मंगल ना है, इनका सके पिया बा। बाबू हमारा समय की कहानी सुनी चल बा, तो दिन से साँझ हो जात बा, कहानी खत्म। आयो कौची होल बा, चाय बढ़िया ना है कि? ना चाय बहुत बढ़िया है। तो पिया। अरे एगो हमारा काम याद आ गेल है, आबो यो कर के। तो चाय पी ना रे। अरे कल पी लेबे ना। अरे मोटका भर दिन चाय चाय चिचियाई रहे, चाय मिले है तो पी ना। तू चाय पी। ना ना हमरो हुन करे साथे काम है। तो लासिया ने आया साले हन के पुतो के हाथ के चाय बनवा लेलास। अरे हमरा मंगल है ना, तो हम ही चाय पी ले। अच्छा सुना ना, हम तनी बाहर जायत हुआ। कहाँ जा रहे आप? तनी जायत हुआ खेत पटावे। ठीक है, जल्दी आइएगा। ठीक। आँखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं, एक पल में सब लुटाने को। ए भौजाई, अरे चाय नहीं बना है का? हाँ वो गांव वाले नहीं आते ना, इसलिए आज नहीं बनाई, रुकी बना देती हूँ। अच्छा तो आप अभी बनाइएगा चाय? हाँ बना के लाती हूँ। सुनिए ना, बैठिए ना। क्या कर रहे हैं आप? हम क्या कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जो घर का इज्जत है वो घर में ही रहना चाहिए? मतलब क्या आपका मतलब है? अरे आप कहीं और जाके मुंह काला करें, उससे अच्छा है ना कि हम ही काला करें। बिना पूछे मतलब हद है। अरे साला ये लड़की तो अब हल्ला कर दी है, अब तो हम फंस गए बढ़िया से। चलो हम अपना आप सिग्मा रूल अपनाते हैं, कोई आपको बदनाम करे इससे पहले कि आप उसको बदनाम कर दीजिए, हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अरे छोटका, हमने का सुन रहे रे, ये मंगरुआ बहू काहे रो रही थी? अरे ये सब बात तूने हमारे से काहे पूछा था? अरे पूछा उ छिनाल से। अरे छोटका भैया काहे मार रहे हैं, इनका कोई ना कोई गलती है। भौजी तो हमको कितना बार लपेटना चाहिए? नो। लेकिन हम तो बाल ब्रह्मचारी आदमी, हम बच गए। का हो रहा है बाबूजी? चुप, एकदम चुप। पर बाबूजी। चुप। लेकिन बाबूजी। एकदम चुप। अब का होई गनोरी भाई? अब होई पंचायत। सुअर दोस्त हैं वो। हे गाइस, तो पंचायत का पहला पार्ट आपको कैसा लगा? आई नो ये जो वीडियो है सीरियस कॉमेडी है, वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम बस ना स्टोरी को ना बिल्ड किए, ठीक है? तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं, वो है पंचायत 2। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, फन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग, उसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको पंचायत 2 वीडियो चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, और अगर ये बात हम बोल रहे हैं डैट मीन्स उसके अंदर है बहुत ज़्यादा फन है, ठीक है? तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो आप ना कमेंट करके बताइए कि आपको पंचायत 2 चाहिए, समझिए? और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। अच्छा अभी मैंने जो सुअर बोल दिया वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए था, प्लीज़ कोई पर्सनली मत लेना, ठीक है? मैं ये जो यहाँ पे परफॉर्मर्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, जो रोल वो प्ले कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, उन दोस्तों की। ऐसे जो ये फालतू के दोस्त होते हैं ना, ये ही दोस्ती को बदनाम करते हैं, अपने अच्छे भले दोस्त को फालतू की एडवाइस दे के उससे गलत काम करवा दिया है ना, ऊपर से भाभी को ही बदनाम कर दिया कि हाँ यही है जो मुँह काला करती घूम रही है। इस टाइप के लोग ना, ये ना अपना घर बसाते हैं, ना दूसरे का बसने देते हैं, और तीसरे के घर में आग लगाते हैं। तो प्लीज़ इस टाइप के लोगों से बच कर रहिए, ओके? और देखते हैं अब सेकेंड पार्ट में क्या होता है। यार फर्स्ट पार्ट में तो बेचारे भैया जी वो शर्माते शर्माते ही रह गए, है ना? होता है यार, अरेंज मैरिज जब होती है तब मियाँ बीवी के बीच में काफ़ी ज़्यादा शाइनेस होती है, काफ़ी शर्म होती है, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है ना? और गांव-गांव में टाइम कहाँ मिलता है, पहली बात तो वो तो मतलब आधा टाइम तो रस्मों रिवाज में निकल जाता है, उसके बाद बस घर के काम, चूल्हा चौका, गाँव में हर आने वाले हर दूसरे तीसरे आदमी को चाय पिलाते जाओ, है ना?
भैया वो उसको बहू को बहू समझते ही नहीं है, वो बस हाँ चाय इनके हाथ की अच्छी है तो रोज आ जाएंगे रोज। यार एक तहजीब होती है, एक बात होती कि हाँ एक दिन भैया आ गए, दो दिन आ गए, ठीक ठीक है, नहीं गांव में सेम गांव में रहता है तो मुंह उठा कर रोज ही चले आओ, है ना। तो ये क्या बात होती है, वो नौकरानी थोड़ी ना है, बहू है, इंसान है यार, हद हो गई। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और ये वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, इसका सेकंड पार्ट जैसे ही आता है मैं उसका रिएक्शन भी आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। आई होप आपको मेरी बातों में थोड़ा बहुत कुछ सही लगा हो, अगर तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।